हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और सुबह सुबह हमारा भाई हमारे लिए कचोरा समोसी लेके आया है। कचोरा कचोरी समोसी। आओ सुनाओ तुम्हें प्यार की एक कहानी। एक था कचोरी वाला, दोनों साथ में ये लो। चिंकी मिंकी हो गए तो कड़ी वाली है। हाँ कड़ी डालेगा ना इसमें। रुक रहा देखो कितनी परेशान थी अभी सुबह सुबह। किस कल रात को 6 बार वीडियो एडिट करा इसने। रात को मैं ऐसे कर रही और वो वीडियो में दिक्कत आ रही थी अपने आप। है ना, साउंड गायब हो रहा था उसमें। उसमें एक क्लिप, दो तीन क्लिप्स का साउंड गायब हो रहा था अपने आप ही, पता नहीं क्यों। तो उस वजह से इसने 6 बार एडिट करी, बिना एडिट करे सोई, फिर सुबह सुबह जैसे तैसे ठीक है। बट हाँ, वो जैसे तैसे इसने एडिट करके टाइम से शेड्यूल कर दिया है और वीडियो लाइव हो जाएगा, तो वो वीडियो जरूर देखना। उसमें ना मैंने ना इसका वही बता आपको, वैसे तो पता होगा वो मेकअप वाला चैलेंज था। मैंने प्राइस गेस करी थी और कितनी सही करी कितनी गलत करी वो आप ना देख रहे। मस्त बना है वो वीडियो। ये देखो मेरी बुक। हाँ कल मेरा एग्जाम है। अब मैं रात भर जाऊंगी देखना। चल बढ़िया। जाएगी कहाँ पर? सेंटर कहाँ पर है? सुबह होती तो है। जाएगी कैसे? मेरी फ्रेंड के साथ जाऊंगी। मेरे को सॉस तो दे दे यार। अबे सॉस के साथ खाता है क्या कोई? सॉस के साथ खाते कड़ी। सॉस क्या होता है? सॉस होता है। आपको पता था ना मैं घर जा रही हूँ, फिर मैगी लेकर आयो जान मूझ के। तू आज घर जा रही है? हाँ। तो आज हम मैगी खाएंगे रात को। थोड़ा जल्दी चले जाती है यार, कचौरी रह जाती है एक बार पास। इसके साथ ये होता है हमेशा, कुछ भी हम एक्स्ट्रा कर रहे होते हैं ना तब उस टाइम घर जा रही होती है। इनके तो उल्टे सीधे कॉम्बिनेशन होते हैं भाई, कचौरी प्लस नींबू का अचार। ये ले। पॉट में फेस वॉश किसने गिराया? मेरे को पता है उसने नहीं गिराया, तूने गिराया है। उठ और जाके पॉट में से फेस वॉश। ऐसे हाथ दे कड़ी कचौरी में निकाल। चल जा। ये मेरे फेवरेट ग्रेप्स, अमेरिकन ग्रेप्स। मत करे, पहले जाके पॉट में से निकाल के। चल जा। जब तक नहीं निकालेगा कुछ नहीं मिलेगा। कीवी भी लेकर आई हूँ, ये भी लेकर आई हूँ, दोनों खाना ही नहीं है। शी इज मेकिंग वीडियो। और अभी हम लोग बाहर जा रहे थे वैसे गाय को चारा डालने के लिए, लेकिन बारिश आना चालू हो गई है। इंसान तो बस सोता ही रहता है, इसको सोने के अलावा और कोई काम नहीं है। वो तो बस तो आज कचोरी लिया है, इसलिए छोड़ रहा हूँ तेरे को मैं आज। ठीक है बता तो वीडियो शूट कर रही हूँ, फिर वो कॉस्ट्यूम के लिए जाएगी ना जिसमें शूट कर रही हूँ, इसलिए फिर अलग से शैम्पू कर रही हूँ बालों की। यार ऐसे मत। लाइट गई, काम खराब हो गई। तेरा बीच में अटक गया ना वीडियो। ऑब्वियसली वो किस हालत में अटक गई थी। गीली आ रही यार। बेटा कल से श्राद्ध चालू है, तो अपने पास जितने भी नए कपड़े हैं उनको आज पहन लेना एक एक बार। नए कपड़े सब है तेरे पास? मेरे पास नहीं। खूब सारे हैं? नहीं है सच में। जो भी एक भी बार यूज नहीं किया उनको एक बार एटलीस्ट पहन ले रहे हैं। श्रादों में वैसे 15 दिन तक वो नहीं होती, कोई भी नई चीज खरीदते नहीं है और यूज भी नहीं करते हैं। अभी यशी ने मुझे बताया कि श्रादों में हेयर कट भी नहीं होता है, तो मुझे हेयर कट लेना पड़ेगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ हेयर कट करवाने के लिए। मैच किस देर में स्टार्ट हो रहा है? मैच होगा आधे घंटे में स्टार्ट। आधे घंटे में स्टार्ट। आज सीएसके वर्सेस मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस जीतेगी। हाँ ये बोलती है सीएसके वर्सेस चेन्नई है ना यशी? मुंबई इंडियंस चेन्नई जीतेगी। कैसे आप किसके सपोर्टर हो वैसे? चेन्नई या फिर सीएसके? सीएसके या फिर मुंबई का बताना, कमेंट करके जरूर बताना। वैसे मेरी भी फेवरेट चेन्नई ही है, बट मेरे को चलाने के लिए मैं मुंबई को जिताना है। सीएसके टेंशन मत करो। चलो लेट्स सी, देखते हैं कौन जीतता है। सूरज तो चला गया था अपना हेयर कट कराने और मैं आई हूँ दादी के पास, क्योंकि कल मम्मी ने बताया कि दादी की थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो दादी का थोड़ा बीपी शायद हाई हो गया था। तो हम लोग आए दादी से मिलने और हम दादी के लिए आइसक्रीम ढूंढ रहे थे, पर आइसक्रीम तो मिली नहीं, तो नेक्स्ट टाइम। बीपी हाई होगो। बीपी हाई होगो बहुत जोर को। माता में रोटी खाती को, रोटी खाती खाती मुंडा को गाशो, मुंडा में रेगो हाथ को गाशो, हाथ में रेगो थाली को गाशो, थाली को फिर असो जोर को भयंकर चक्कर आयो, जो आंखें अंधेरी आएगी फिर, और जी घबरायो फिर, जी घबरायो पैर में तो उल्टिया वाला आगी। माँ के खाना खाते खाते जो हाथ का जो निवाला था वो वैसे ही रह गया और माँ को चक्कर आ गया, फिर माँ बाहर गई और उसके बाद में माँ बोल रही है कि मुझे बहुत ज्यादा उल्टियाँ हुई और वो जीवी घबराने लग गया। बाबा
आओ बेटा कहीं अच्छा बाबा कहीं अच्छा बढ़िया बेटा बढ़िया हेयर कट करा के कैसा डिसेंट सा हो जाता हूँ है ना इम्प्रेस करने के लिए चला गया ना फिर से अरे मैं बस पूछने गया हूँ यार चलो यार कपड़े निकालो यार जल्दी से कपड़े पहनो यार नहीं नहीं यार भाई पता है क्या मेरे ये पहनने ही नहीं पड़ते मुझे कपड़े अगर मैं उसको परमिशन दे देता तो आराम से अपने वीडियोस में यूज कर ले आधे तो उसने पहन लिए हैं मैंने पहनी नहीं जैकेट है ब्लैक कलर की जैकेट ब्लू डेनिम और झूठों वाली ब्लैक जैकेट अरे चल तेरी कसम मैंने बस सिर्फ डाली थी और पहनते कैसे मैं पूछा माँ सही है और माँ से बता दी मेरे ऐसे ऐसे हो गया ऐसे ऐसे हो गया मैंने कहा वो मैं क्या बीपी लो बीपी 250 हो गया था तो वही प्रॉब्लम रहती है थोड़ी सी लेकिन हमारे क्या पास में है वो उन्होंने थोड़ा हेल्प हेल्प करी तो माँ आप सही है लेकिन अभी भी वो थोड़ा बहुत हो रहा है माँ को हर्ष यार प्लीज यार थोड़ा सा हेल्प करा दे यार मुझे वो मेरा बहुत सारे कपड़े हैं उनको उठवाने के लिए मेरे को बिल्डोजर की जरूरत है बहुत सारे नहीं है थोड़ा ज्यादा ज्यादा दीदी ने पहन लिया तो खा लिया अभी मेरी बिल्डोजर है उसको उठा सारे को सबको एक साथ सारे मेन कपड़े तो इसी में क्या करना चाह रहा है भाई चलो मैं ये देखो ये ब्लैक जैकेट ये इसी ने पहन ली ऑलरेडी है ना हाँ ये तो इसने पहन ली है ये वाली तो वैसे तूने भी पहन ली है तो कम बोल तू ये क्या है क्या आई डोंट नो ये क्या है किसका है ये तो ये कपड़े मंगा के भूल जाता किसी गंवार आदमी है अबे मैंने कभी मंगाया नहीं भाई ये है किसका फिर ये है दीदी के प्रिय भाई जानू का ये मुझे पहनना है ये क्या है क्या है पता नहीं क्या है ये देखता हूँ अभी मैं चेक करता हूँ पता नहीं क्या है ये भी पहनना है ये मैंने पहन लिया एक बार इसे डाल के देखा था वो मेरा ना डेनिम नहीं आया था ना इसलिए ओके ये ब्राउन पोलो ब्राउन जैकेट है तेरे पास दिखा वाओ ब्लू टी शर्ट वाओ सूरज यार ब्लैक जैकेट सुनने में पहन ये लो भैया पहन लो कपड़े आप ये क्या है ये उसकी है किसकी है तेरे कपड़े देख कैसे पड़े हैं इसमें मैं निकालता जाता हूँ तू पहनती जा इतना कूल है ये कितना कूल है ना मारा तू चुपचाप ये वाइट जीन्स लेकर आया था मैं एक पुरानी जीन्स और गिटार ये मेरा ये क्या क्या मेरे पास सिर्फ एक जैकेट ही है एक जैकेट चल तू पहन के सबसे पहले तू पहन मैं तो नहीं पहन रही पहन के दिखा दे जल्दी जल्दी पहन ले जल्दी पहन ले यार मेरे पार्सल क्यों नहीं आते टाइम पे यार ये तो मिंत्रा से मंगाया है यार देख कितना प्यारा है इसके अंदर तेरी जैसी दो आ जाएगी नहीं पागल मैं ओवरसाइज मंगाते हूं पहन लिया दिखा अलमारी में देखा तो मिल गए देख तेरे पास तीन महीने के कपड़े मिलेंगे तेरे को नहीं अब और नहीं है देख ले चाहे तू नहीं है अब और ढूंढ ढंग से ढूंढ मिलेंगे कुछ नहीं है तेरी कसम नहीं है देख ले चल क्या क्या दिखा दो एक बार ये एक ड्रेस है और कुर्ते सारे कपड़े ना सिर्फ व्हाइट जींस पे आ जाएंगे देखना अभी मैं सिर्फ व्हाइट जींस पहनूंगा और इन सबको ऊपर पहन लूंगा तो पहले मैं पहन लूंगा ये ब्लू शर्ट ये मैंने वेस्ट साइज से मंगाई थी कितना गंदा लग रहा है सूरज तू ये मेरा फर्स्ट आउटफिट पता है कि क्या ये ना ज्यादा से शूज भी लाया था इसको मिले ही नहीं अब वो पड़े ही रहेंगे 15 दिन तक वैसे इतने टाइम से भी पड़े थे कोई बात नहीं सूरज 15 दिन और पड़े रहेंगे क्या फर्क पड़ेगा अभी मैं ना इसके व्हाइट के ऊपर ही सारे कपड़े ट्राई करूंगा चल गाइस आपको पता है क्या ये मेरा ना टाइट था मतलब एकदम फिट था जब मैं इसको लेकर आया था मैंने इसको अभी सेम चीज बोली मैंने कहा कोई फिट था और अभी लूज हो गया कमजोर हो गया तुम्हें बट ये बहुत प्यारा लग रहा है ना लगेगा ही वो वैसे लूज भी प्यारा लग रहा है थोड़ा सा ना विंटर्स वाला है ये देखो शर्म नहीं आती मेरे कपड़े पहन के खड़ा हो जाता है तो बिल्कुल भी नहीं है ये जैकेट मेरी फेवरेट है ये तेरी फेवरेट नहीं है ये बता किसने ढूंढी थी ये बता पहले ये मैंने खुद ने ढूंढी थी कितना बेकार इंसान है मैंने इसको ढूंढ के दी थी ये लेदर ले नहीं रहा था पता है ये लेदर ले नहीं रहा था मैंने कहा तू ले ट्राई तो कर और ब्लैक और ब्राउन दोनों इतनी प्यारी लगी इसके ऊपर नहीं मतलब मेरे ऊपर ये ब्लैक वाली वैसे तो मैंने एक बार पहन ली है ये बट फिर भी मैंने ऐसे ही पहन ली एक और बार तो दिखाने के लिए कि मैं इसमें कितना अच्छा लग रहा हूँ ना थैंक यू गाइस ए नाइस दिखाना ये बहुत क्यूट सा है यार अच्छा लग रहा है सूरज तेरे ऊपर मेरे हिसाब से तूने ये कलर बहुत टाइम बाद पहना है जो भी है बट इसमें तो बहुत अच्छा लग रहा है ये कलर का मेरे पास शायद कोई भी ऐसा कोई टी शर्ट नहीं है और इस टाइप का भी नहीं है इस पैटर्न का भी नहीं है इसीलिए मैंने ये लिया था और ये वैसे विंटर्स में बहुत प्यारा लगने वाला है
यार सूरज, अरे पोलूज मेरे पे कितनी प्यारी लगती है, कितना प्यारा लग रहा है आज तो मैं तेरे को बोलूंगी हे हैंडसम। सच में बहुत अच्छा लग रहा है आज तो मेरा, सच में कहने का। इसके बाद दिस पर्टिकुलरली ये जो इसने पहना है ना ब्राउन कलर का, सीरियसली ये बता ढूंढ के कौन लाया था तू? ये थैंक गॉड इसको याद है, वो तूने मुझे हे हैंडसम बोल दिया ना इसलिए मैंने तेरे को क्रेडिट कर दिया। मैं ही ढूंढ के लाई थी बेशरम आदमी। ओह नाइस, देखा कैमरा में दिखाना है, मैं ऐसे नहीं देख रही, देखा वाओ ये जो तूने कॉम्बिनेशन पहना है ना ये ऑलरेडी बहुत प्यारा लग रहा है, देखा यार अच्छा लग रहा है सूरज, अच्छा लग रहा है, सच में अच्छा लग रहा है। ये व्हाइट ओवरसाइज्ड है, इसको ना मैं ब्लू डेनिम के साथ ट्राई करता हूँ, ठीक है? हाँ जा कर ले, सब कुछ मैंने व्हाइट पे पहन लिया। देखो मैंने गाइस बोला था ना व्हाइट पे सब कुछ चल जाएगा, वैसे ये भी चल जाता व्हाइट पे लेकिन राइट वेट ज्यादा अच्छा नहीं लगता, तो ब्लू और व्हाइट में चेंज करके आता हूँ। दिखा दिखा यार सूरज बहुत अच्छा है ये, बट ओवरसाइज बहुत अच्छा लग रहा है तेरे ऊपर, दिखा मेरे को, दिखा ना एक बार सामने दिखा ना, उदयपुर के लिए लिया था, उदयपुर के शूट के लिए, और उसी बैग में रखा रह गया, उसी बैग में। और एक और चीज आपको बताती हूँ, वो बैग आज तक घर नहीं गया इसके। ये शर्ट फॉर्मल्स है, मेरे को नीचे जीन्स नहीं पहनना चाहिए था, जीन्स सूट नहीं कर रही है इस पे, बट ये शर्ट भी थोड़ी सी ढीली हो गई, तो मैं 15-20 दिन है ना अच्छे से जिम करूंगा और ये फिट होने के बाद बहुत प्यारी लगने वाली है। और ये व्हाइट जॉगर अच्छा लग रहा है ये बस 500 रुपीज का जॉगर है, और क्वालिटी भी थोड़ी सी वैसी लग रही है मुझे। कौन सा कहाँ से मंगाया? ये मैंने मिंत्रा से मंगाया, मेरे सारे आउटफिट डन। शूज इसको ना पिछले 15 मिनट से कह रहे से बैठ के पहन ले, लेकिन नट्टा मानेगा नहीं। बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब पता ये 500 का जो पजामा ना ये बहुत ज्यादा महंगा सा लग रहा है इसको पहनने के बाद। क्या सेक्सी शूज लग रहे हैं यार ये तो। मेरा आज का कोटा खत्म, मैं पहन लेती हूँ फटाफट। आपको अच्छा लग रहा है ना ये सिंपल सा कुर्ता? से लाई है ये, मुझे रवि ने गिफ्ट किए हैं कि कुर्ते अच्छे तो मैं अभी, हाँ काफी प्यारा लग रहा है ये मैंने टॉप के ऊपर ही पहना है, पर ये कितना क्यूट है। रवि से 3 लाया था, एक पिंक लाया था, एक ब्लू ब्लूइश ग्रीन लाया था, और एक मेरे को इसका पता नहीं था, मुझे लगा था ये लॉन्ग है, पर ये बहुत प्यारा है और ये मेरे को फिट भी है, अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है ये भी? अच्छा ये अच्छा है, पर है ना ये थोड़ा सा रेड में, तो मैं सोचू मम्मी को दे दूंगी, मम्मी के ज्यादा काम आएगा, लेकिन मम्मी के आएगा ही नहीं। यार मैंने कोशिश तो करी पर मेरे को आ नहीं रहा, और ये साइड में से तो बंद ही नहीं होगा ऐसे तो। मोटी है यार, मैं मोटी नहीं, मैंने कपड़े को पहना ना इसलिए नहीं कर पा। कुछ भी बहाना मार, पर ये बहुत प्यारा यार, मैंने तो मेरे अभी जो मैंने मंगाया था ना सबसे फेवरेट यही चीज थी मेरी, यही मुझे नहीं आ रही। कर लिए ट्रेन सारे कपड़े? कर लिए, पता है क्या ये ठस गई यार, रजो मत ना। चल अब इनको समेटेगा कौन? तू। अब सबसे मैं सिर्फ मेरी समेटूंगी, मैं तुझे नहीं मैंने तुझे पहले ही बोला था। ये नहीं पहनती क्या जो बोल रही ज्यादा? क्या नहीं पहनती? मेरे भी तो पहनती है तू। कब पहना मैंने? अरे मेरे को तू कर रही है, तेरी बहन के साथ तो देगी ना तू मेरे को। चलो गाइज आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, अब मैं इससे ये कपड़े समेटवाऊंगा तो मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ, ठीक है ना गाइज? चलो गाइज आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, अगर एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, मिलते हैं कल, बाय।